नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक के गांवों में सरकारी स्कूलों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। रोहतक के गांव खरेंटी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सप्ताह भर के दौरान दूसरी बार चोरी कर ली गई। रात को चोरी करने आए बदमाश स्कूल के चार कमरों में करीब 30 से अधिक ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। चोरी की वजह से स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ी। स्कूल पहुंचे बच्चों को भी वापस घर भेजना पड़ा और पढ़ाई भी नहीं हो पाई। स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं थी, जिसके कारण मजबूरी वर्ष बोर्ड परीक्षाओं वाली छात्राओं को लैब की बजाय बाहर बैठाकर प्रैक्टिकल परीक्षा ली गई। स्कूल से चोरी किया गया सामान का कुछ हिस्सा विद्यालय के पीछे वाली दीवार के पास भी पड़ा हुआ मिला, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर पीछे की दीवार फांदकर स्कूल में घुसे और चोरी करके फरार हो गए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। क्या स्कूल है इसमें हफ्ते में दो बार चोरी हुई है, लगभग 20 या 25 लाख का अंदाजा चोरी है। सारे कंप्यूटर चोरी हो गए, सारे LED होगी, सारे बैटरी हो गए, सारे और जितना भी जो सामान है, मतलब हम तो सबके नाम भी जानते, 2.5 लाख के बोर्ड भी है जिसपे बढ़कर पढ़ाए गए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई। ये राज नहीं तो जंगल राज हो गया। पुलिस की लापरवाही है, जब हफ्ते पहले काम हो लिया तो पुलिस के द्वारा बहुत बड़े शोर शवे हैं। जो इलाके में चोर उन्हें पकड़ो, बच्चों का नुकसान। आज के पेपर थे और आज बच्चे सारे के सारे अपने वापस चले गए, और हम जब तक स्कूल न बंद रखाएंगे जब तक सरकार मारती न्याय नहीं दिंदी भाई। और रही दूसरी, हमारे प्रिंसिपल साहब है, पूरा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, बहनों बताओ ये कैसे नौकरी करेंगे? सारे करोड़ों का बड़ा हाल हो रहा है सारे मास्टर का भाई। या तो सरकार इस हालात ने संभाल ले, और नहीं तो वह हम इसका ताला लावांगे और कोई सी स्टेज आई हम उल्टे नहीं हटाएंगे। आए हैं खरेटी गांव में, गांव का मौजूद सरपंच भी है और टीचर है, तो जांच कर रहे हैं। हमें स्पेशल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड बुला रखा है, तो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन यहां पर कोई चौकीदार नहीं है स्कूल में, पुलिस चक्कर लगाती रहती है, लेकिन प्रशासन जो अपने टीचर है इन्होंने कोई चौकीदार नहीं रख रखा यहाँ पर, जो रात को रुखाड़ कर ले। हमने हर स्कूल में कहा इनको भाई अपना कोई चौकीदार रखो जिससे सेफ्टी रहे, लेकिन कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पर। हाँ, दो तीन चोरी होली स्कूल से LED या ये उठा ले जा है, बैटरी वगैरह दो तीन चोरी हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसमें पकड़ने की। हाँ, टीम है बड़ा रखी है, अपने शेष स्टाफ भी हैं और पुलिस थाने की भी टीम बनी हुई है, सभी इसमें लग रहे हैं। नाम है सुनीता देशवाल, DDO हूँ, और हफ्ते में दूसरी चोरी हो चुकी है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम यहाँ पर नौकरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ा सकते। अब ये काम सरपंच साहब ही जाने कि कैसे पढ़वाएंगे, लेकिन हमारा कोई पूरा स्टाफ बिल्कुल स्कूल में आने के लिए अब हम तो गेट से बाहर हो जाएंगे जी, हम यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। अगर ऐसे ही रहा तो हमारे बस की बात नहीं है, अंदाजा ही नहीं जी, मतलब बुरा हाल मचा गए। अभी एक हफ्ता पहले LED 2.5 लाख की एक थी, तीन वो हो चुके हमारे, एक एक अलमारी को ताले को इतने मोटे मोटे ताले लग रहे थे और सारी अलमारी तोड़ रखी है, और कंप्यूटर सारे उठा लिए। IT लैब तो 7 लॉक लगते हैं जिसमें, वो भी पता नहीं कैसे उन्होंने खोल रखा है। ब्यूटी लैब से भी कंप्यूटर उठा रखे हैं, IT लैब से सारे सिस्टम उठा दिए, और बैटरी जो हमारे कंप्यूटर रूम में थे उनका पानी बाहर लेके आए, उनका पानी निकाला है, बैटरी इन्वर्टर कुछ भी नहीं छोड़ा जी। हमारा स्कूल तो बिल्कुल ही खाली कर दिया उन्होंने। हाँ, टैब भी चोरी हुए हमारे, टैब भी चोरी हो गए, 5-6 टैब थे हमारे इसमें रिकॉर्ड में, सारे चोरी हो गए जी। कंप्यूटर रूम में कुछ नहीं बचा, IT रूम में, ब्यूटी रूम में, मेरे ऑफिस में भी दो अलमारी थी उनको भी तोड़ रखा उन्होंने, सारा रिकॉर्ड इधर उधर एस्टिमेट कर रखा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।